हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे JKSSB की तरफ से जो एग्ज़ाम कंडक्ट किए जा रहे थे उसके बारे में। सो इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप फर्स्ट टाइम इस यूट्यूब चैनल पर विजिट कर रहे हैं सो लाइक कीजिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। JKSSB की अगर बात करें तो एग्ज़ाम जो है एक ऐसा प्रोसेस बन चुका है जहाँ पे एग्ज़ाम होने के बाद, या तो एग्ज़ाम चल रहा है या एग्ज़ाम होने के बाद, उस रिक्रूटमेंट को जैसे ही कोई सिलेक्शन प्रोसेस निकलता है या सिलेक्शन लिस्ट निकलती है उसको भी कैंसिल कर दिया जाता है। एग्ज़ाम होते हैं, फिर एग्ज़ाम को बीच में से एक ऑर्डर निकाला जाता है, उस ऑर्डर के अकॉर्डिंगली एग्ज़ाम को, जितने भी एग्ज़ाम हुए उसको कैंसिल किया जाएगा। ये ऑर्डर निकाला था जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट के द्वारा। अब जहाँ पर सोचने वाली बात ये है कि जितने भी तरीके से ये एक्टिविटीज़ हो रही हैं, चाहे वो अगर बात करें फाइनेंस कोड असिस्टेंट, जहाँ JKPSI का जो पहले एग्ज़ाम हुआ था, या JEE सिविल का जो पहले एग्ज़ाम हुआ था, इन सभी के एग्ज़ाम की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा अगर किसी को नुकसान हुआ है तो वो हुआ है कैंडिडेट्स को। कैंडिडेट्स जहाँ पे आप फेसबुक में देखो या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे देखते हो, कैंडिडेट एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जा रहे हैं, किसी से पैसे जो है उधार लेके जा रहे हैं, किसी से कुछ करके अरेंजमेंट करके जा रहे हैं, मतलब इतनी मुश्किल से वो एग्ज़ाम सेंटर में पहुँचते हैं, इतनी मुश्किल से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, और लास्ट में एंड रिजल्ट ये मिलता है कि एग्ज़ाम जहाँ तो कैंसिल हो जाते हैं, जहाँ किसी रेपुटेशन का शिकार हो जाता है और इस तरीके से एग्ज़ाम को कैंसिल कर दिया जाता है। सबसे पहले हम बात करेंगे एपटेक के बारे में। एपटेक की तरफ से जो एग्ज़ाम कंडक्ट किए गए, इसमें तीन एग्ज़ाम थे, एक स्टेनोग्राफर का, उसके बाद JEE का, अब तीसरा जो एग्ज़ाम चल रहा था वो JKPSI का। आप कोर्ट की तरफ से जो ऑर्डर आए हैं उस ऑर्डर को कोई चैलेंज नहीं कर सकता है, उस ऑर्डर के अकॉर्डिंगली आपका जो एग्ज़ाम है इस एग्ज़ाम को क्या करेंगे, इस एग्ज़ाम को कैंसिल करने का ऑर्डर जो है दिए गए। मगर JKSSB की ऑफिशियल वेबसाइट की बात करें तो JKSSB की ऑफिशियल वेबसाइट पर वहाँ पर ऑर्डर निकाला गया कल का, उस ऑर्डर के अकॉर्डिंगली 9 दिसंबर का जो एग्ज़ाम था उसको पोस्टपोन कर दिया गया। अब 10 दिसंबर का जो एग्ज़ाम है वो होगा नहीं होगा इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि इसके रिलेटेड जो नोटिफिकेशन है वो बहुत जल्द आज ही आपको वेबसाइट पे दिख जाएगी कि 10 दिसंबर का जो एग्ज़ाम होना है वो होगा या उसको भी पोस्टपोन कर दिया जाएगा। जैसे ही एपटेक को हायर किया गया, लगातार कैंडिडेट्स के फेसबुक पे क्वेश्चन, लगातार उनके द्वारा ये बताया गया कि ये जो कंपनी है ये बहुत सारी स्टेट्स में इसको ब्लैकलिस्टेड किया गया है, मगर अगर कहें तो इसमें किसी की बात को ना सुना गया और लास्ट में एंड रिजल्ट ये हुआ कि इस कंपनी को हायर किया गया। आप जहाँ भी देख सकते हैं इसका ट्रैक रिकॉर्ड मैं आपको बताना चाहूँगा। एपटेक जिसने अभी तक तीन एग्ज़ाम जो है, तीसरा एग्ज़ाम जो है जम्मू कश्मीर के अंदर कंडक्ट करने जा रही थी, इसमें आपका JKPSI का था। ये आप देख सकते हैं यूपी में जल निगम रिक्रूटमेंट एक स्कैम होता है, एपटेक को हायर किया गया 2016 के अंदर, उसमें मास रेगुलरिटीज़ पाई गई और माल प्रैक्टिसेस पाई गई अपॉइंटमेंट में, ठीक है। इसमें 1188 जो अपॉइंटमेंट थी उसको कैंसिल किया गया, जिसमें 1300 वैकेंसीज निकाली थी, 1300 वैकेंसीज में 1188 वैकेंसीज को कैंसिल किया गया इन 2020 आफ्टर इन्वेस्टिगेशन बाय STF। सेकेंडली आप देख सकते हैं राजस्थान की बात करें तो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट स्कैम, इसमें एपटेक को हायर किया गया और एग्ज़ाम इनका होता है 2017 को, और कंप्लेन इन्वेस्टिगेशन के बाद जो डायरेक्टर हैं एपटेक इन्फोटेक विद द हेल्प ऑफ अदर एडेड इन हैकिंग IP इरेगुलरिटीज फाउंड इन 2018। सबसे पहले मैं आपको यूपी का बता रहा हूँ, फिर राजस्थान की बात बता रहा हूँ। उसके बाद देखिए UPPSL का एक एग्ज़ाम होता है, इसको हायर किया गया एपटेक को फॉर एग्ज़ाम इन 2018 आफ्टर इरेगुलरिटीज बाय आर सिस्टम मिररिंग एंड वेरियस अदर मोड्स ऑफ STF एग्जाम स्क्रैप्ड एंड फॉर्म्ड ब्लैकलिस्टेड फॉर 3 ईयर्स फ्रॉम मई 2019 से लेकर 2022। उसके बाद अगस्त 2020 की बात करें तो एपटेक ने एग्ज़ाम कंडक्ट किया असम इरीगेशन डिपार्टमेंट का, उसमें भी रेगुलरिटीज पाई गई, कोर्ट का स्टे जो रिजल्ट था उसके ऊपर स्टे लगाया गया। तो आप देख सकते हैं लगातार कैंडिडेट्स का यही कहना कहा जा रहा था कि ये जो कंपनी है इस बहुत सारी स्टेट्स में इसको ब्लैकलिस्टेड किया गया, मगर उतना कहने के बाद भी, बच्चों का प्रेशर पड़ने के बाद भी उसको नहीं किया गया। लास्ट में एंड रिजल्ट ये मिलता है कि लगातार जिन बच्चों ने लगातार जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे स्टेनोग्राफर का, JEE का, जिन बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है, अब उनको वापस से क्या करना पड़ेगा, वापस से एग्ज़ाम की तैयारी करनी पड़ेगी, वापस से वहाँ पे एग्ज़ाम में अपीयर होना पड़ेगा। आप देख सकते हैं लगातार कंटिन्यूसली एक साल से यही जम्मू कश्मीर के अंदर ये हो रहा है, एग्ज़ाम हो रहा है, फिर इसको कैंसिल किया जा रहा है, फिर हो रहा है, फिर कैंसिल किया जा रहा है। प्रॉपर तरीके से जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन को इसके बारे में सोचना ये चाहिए कि जिस भी कंपनी को हम हायर कर रहे हैं एग्जामिनेशन के लिए, प्रॉपर तरीके से उसकी इन्वेस्टिगेशन की जाए, ताकि फ्यूचर में कोई भी ऐसी उसके ऊपर कोई भी ऐसी बात ना आए, ताकि बच्चों के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए उसको उसके साथ खिलवाड़ हो। तो प्रॉपर तरीके से अगर इन्वेस्टिगेशन की जाती तो इस तरीके का आज रिजल्ट ना होता। काफ़ी ज़्यादा बच्चों का यही कहना था
कि इस कंपनी को आप मत कीजिए, हायर मत कीजिए, क्योंकि लगातार इसमें जो है डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में इसके ऊपर जो है अगर बात करें जी ब्लैकलिस्टेड कंपनी है। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद जितने भी जेई का अगर जिस तरीके से कोर्ट का ऑर्डर आया है, लगातार इसमें यही हो रहा है कि जैसे ही इसका ऑर्डर आता है तो ऑर्डर आने के बच्चों में एक ऐसी मानसिकता बन जाती है कि हो सकता है इसका आगे एग्ज़ाम हो या ना हो। मगर आप एग्ज़ाम की, मैं फिर से वही बात आपसे बोलूँगा कि आप एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए, आप लगातार एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। जो भी इसके ऊपर कोई भी अगर इसमें कोई भी हमें अपडेट मिलती है वो वीडियो के माध्यम से ज़रूर शेयर करूंगा। और साथ में एडमिनिस्ट्रेशन से हमारी यही रिक्वेस्ट है, किसी भी कंपनी को हायर करने से पहले उसका ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए। ट्रैक रिकॉर्ड ये कि उसका जितने भी अगर किसी डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में उसने एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए हुए हैं उसमें उसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, तो देख सकते हैं सारा का सारा इसका जो है जितना भी एग्ज़ाम कैंसिल हो रहे हैं या जो भी प्रोसेस उसमें चल रहा है, सारा का सारा नुकसान जो है बच्चों का है। टाइम निकल रहा है, टाइम निकलने के साथ साथ पैसा भी, जहाँ पे मनी भी वेस्ट हो रही है। अब जहाँ पे देख सकते हैं जेई का जैसे आंसर की निकाली जाती है, आंसर की के बाद बच्चों से रिप्रेजेंटेशन मांगी जाती है ऑब्जेक्शन से, वहाँ भी बच्चे फी पे कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद लगातार जो डेढ़ या दो साल जब बच्चों का बर्बाद जहाँ हुआ उनका, उसको उस टाइम को कौन कवर करेगा? एग्ज़ाम तो वापस करवाओगे आप, मगर उस टाइम को कौन कवर करेगा? सबसे बड़ी जो आपको मैं बात बताना चाहता हूँ यही है कि 10 वाला जो एग्ज़ाम है, 10 वाला जो एग्ज़ाम होगा उसमें क्या चेंजेस की जाएगी, क्या उस एग्ज़ाम को एज़ पर शेड्यूल वही जो डेट निकाली गई उसी पे होगा? 9th का जो है एग्ज़ाम 9th दिसंबर का, उसको पोस्टपोन किया गया है जेके पी एस आई का। अब जेई की बात करें तो जेई का एग्ज़ाम क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या निकलेगा आगे, रिजल्ट इन द सेंस कि जो ऑर्डर दिए गए हैं कोर्ट की, क्या इसको कैंसिल किया जाएगा, और कैंसिल करने के बाद इसके साथ जो स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम हो उसके बाद भी उसका भी एग्ज़ाम है। तो ये आप देख सकते हैं एक बहुत बड़ा जो जम्मू कश्मीर के अंदर एक युवाओं के साथ खेला जा रहा है, लगातार कंटिन्यूसली जो बच्चे जो है परेशान है, तैयारी करते करते उनको इस तरीके की जो है मामला जो है फेस करना पड़ रहा है। तो जहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन से, अगेन मैं आपको यही बताना चाहूँगा, एडमिनिस्ट्रेशन से यही रिक्वेस्ट है, एक आप ट्रांसपेरेंट तरीके से कोई भी काम कीजिए ताकि बच्चे इसके ऊपर क्वेश्चन ना करें। और लास्ट में जब कोई बच्चा तैयारी करके प्रिपरेशन करके सिलेक्शन लिस्ट में आता है तो सिलेक्शन लिस्ट कैंसिल करने की नौबत ना पड़े, तो आप अच्छे तरीके से इसको ट्रैक रिकॉर्ड चेक कीजिए जो भी एजेंसी जहाँ पर हायर की जाती है, ताकि आने वाले समय में बच्चों का ये ना हो कि गवर्नमेंट जॉब से बिल्कुल मन ही उठ जाए उनका। तो ये एपटेक का रिकॉर्ड मैं आपको जहाँ पर बता रहा हूँ, ये एपटेक का रिकॉर्ड है, 2021 की जो पोस्टें निकाली गई थी 2022 से अब निकलने वाला है, लगातार एक साल से ज़्यादा हो गया है, तो आप लगातार यही कीजिए। अब इसके बाद जो बच्चे काफ़ी ज़्यादा बच्चे जहाँ पे क्वेश्चन करते हैं कि फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम कब होगा, उसके बाद पटवारी का एग्ज़ाम कब होगा, उसके बाद फाइनेंस डिपार्टमेंट की अगर बात करें तो सब इंस्पेक्टर का, उसके बाद बहुत सारे एग्ज़ाम जो हैं हॉर्टिकल्चर्स के, उसके बाद अगर बात करें बहुत सारे एग्ज़ाम हैं आपके वेटरनरी फार्मर्स के, स्टॉक असिस्टेंट के, आप जहां से आइडिया लगा लीजिए कि जिस तरीके से ये प्रोसेस चल रहा है एग्ज़ाम इतनी जल्दी नहीं होने वाले आपके। और फाइनेंस कोड असिस्टेंट का एग्ज़ाम तो पहले उन्होंने क्लियर कर दिया है, पहले जो मैंने आपको वीडियो के माध्यम से बताया था कि एग्ज़ाम आपका जो है फरवरी के मंथ में होगा, अगर इस एग्ज़ाम को यहाँ पे डिले किया जाता है तो आपका फाइनेंस कोड असिस्टेंट का एग्ज़ाम थोड़ा और आगे जाएगा। और उसके साथ साथ अब बीच वाले जो एग्ज़ाम है जो काफ़ी देर से जिनकी पोस्टें निकाली गई थी, अब उसके एग्ज़ाम के बारे में अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं है, कोई उसका किसी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है कि वो एग्ज़ाम कब कंडक्ट की जाएगी। सबसे बड़ा जो चैलेंज था JKSSP के लिए वो था JEE का एग्ज़ाम करवाना और JKPSI का एग्ज़ाम कराना, स्टेनोग्राफर का बीच में थोड़े से बच्चे हैं उसका भी अगर फाइनलाइज हो जाए तो काफ़ी ज़्यादा राहत जो है बच्चों को मिलेगी। अब इन एग्ज़ाम के ऊपर जो एग्ज़ाम अभी चल रहे हैं, इन एग्ज़ाम के ऊपर गवर्नमेंट का क्या डिसीजन रहेगा, या JKSSP का जहाँ पर क्या स्टैंड रहेगा, या कोर्ट के ऑर्डर को क्या किया जाएगा, कोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज किया जाएगा, जहाँ इसको कोर्ट के द्वारा फिर से ऑर्डर दिया जाएगा कि जो एग्ज़ाम चल रहा है इसको कंटिन्यू कीजिए, तो प्रॉपर तरीके से इसमें आप देख सकते हैं बीच में बहुत सारे एग्जामिनेशन है उसके ऊपर अभी कोई भी डेट वगैरह नहीं निकाली गई, उसके ऊपर कोई भी नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया है। तो हम उम्मीद यही करते हैं कि जल्दी से जल्दी कोई ऐसी ट्रांसपेरेंट तरीके से एग्ज़ाम जम्मू कश्मीर के अंदर किए जाए ताकि जो बीच में एग्ज़ाम रह गए हैं पटवारी का, जैसे मैंने आपको बताया फॉरेस्ट गार्ड का, उसके बाद वेटनरी का, तो ये सारे के सारे वो भी एग्ज़ाम उन एग्ज़ाम को भी कवर किया जा सके। तो जी फ्रेंड्स,
देख सकते हैं आज बहुत सारे कैंडिडेट्स जो हैं परेशान हैं इन एग्ज़ाम्स को लेके। तो इसके रिलेटेड जैसे ही कोई अपडेट आएगी, आज मैं आपको एश्योर करता हूं कि जम्मू कश्मीर वेबसाइट, जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन की, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की वेबसाइट के ऊपर आपको डेफिनेटली एक नोटिस देखने को मिलेगा कि कल का एग्ज़ाम जो है होगा या नहीं होगा, उसके ऊपर आपको ज़रूर एक नोटिफिकेशन दिख जाएगा। जैसे इसके रिलेटेड कोई अपडेट आएगी वीडियो के माध्यम से मैं ज़रूर शेयर करूँगा। फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय एंड टेक केयर।